प्यार साथियों, देखिए सवाल किस प्रकार से आपके सामने तो देखो ये किस क्वेश्चन में पिछली बार एक वीडियो बना चुका हूँ और पूरा मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था, लेकिन बीच में वीडियो बंद हो गई थी। और ये क्वेश्चन इतना बड़ा था कि मैंने लगभग आधे घंटे करवाया उस क्वेश्चन वीडियो में आराम से। अब दोबारा मुझे खड़े होकर मतलब क्वेश्चन तक मिटा दिया था मैंने, दोबारा मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ा है, फिर अब कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, बड़ा दिमाग खराब होता है भाई ऐसे में। अब देखो इसीलिए इस एफर्ट के लिए दोबारा करवा रहा हूँ। लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, उस पर चलते हैं। अब ये कह रहा है कि अबाउट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6/2 आवर्स। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, करंट की वेलोसिटी बतानी है। देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट टाइप है इस मॉडर्न स्ट्रीम का, ठीक है। इसके बाद आपका कोई दूसरा टाइप बचता नहीं है, बाकी क्वेश्चन रहेंगे और दो चार आपको क्वेश्चन तो हम कराएंगे अभी, लेकिन ये टाइप आखिरी है। अब इससे टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, हालांकि मैंने एक हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन कराया हुआ है ऐसे ही, उसमें मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दूँगा, लेकिन फिर भी भाई मैं ट्रिक से बचता हूँ हमेशा। ट्रिक में भी इसकी में इतना टाइम लग जाता है जितना कि कॉन्सेप्ट में लगे, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस सबसे अच्छा। जैसे कि भाई हम मान लेते हैं कि भाई इसकी जो बोट की स्पीड है वो है एक्स, और जो करंट की स्पीड है वो है वाई। यानी कि बोट की स्पीड ये है, करंट की स्पीड क्या है, या फिर सबसे अच्छा छोड़ो आप यहाँ पर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम मान लो, छोड़ो सब, डाउनस्ट्रीम आप मानो एक्स और अपस्ट्रीम आप मानो वाई। हमें क्या निकालनी, वेलोसिटी ऑफ द करंट निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे जी, देखो वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम करता है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम करता है कितनी स्पीड से, एक्स की स्पीड से, सॉरी वाई की स्पीड से, प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करता है किसकी स्पीड से, वाई की स्पीड से, एक्स की स्पीड से, डाउनस्ट्रीम एक्स की स्पीड से। और इसमें से टोटल टाइम कितना लगा, वो लगा 6 घंटे, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, देखो यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा ट्रिक में भी। अब 24 इस बार वो 24 किलोमीटर, दोनों बार मैंने सेम लिख दिया क्या, अरे भाई सवाल क्या था, यहाँ पर 24 है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 36 डाउन स्ट्रीम, तो ये 24 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा। अब यहाँ पर ये 36 किलोमीटर जाता है वाई की स्पीड से और 24 किलोमीटर जाता है एक्स की स्पीड से, तब वो लेता है 6/2 आवर्स का टाइम, ठीक है। मैंने बोला था कि भैया देखो ट्रिक लगानी है तो ट्रिक भी यहाँ से लग जाती है वैसे तो, लेकिन ट्रिक व्रिक छोड़ो, ठीक है, नॉर्मली कर लो सवाल। ट्रिक व्रिक को मैंने मना करा कि ट्रिक से अच्छा सवाल को नॉर्मली समझ लेते हैं। देखो यहाँ से जैसे कि मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, तो 6 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4, 6 + 24, 6 × 36, 6 × 6, मतलब कि 1 की जगह यहाँ पर 6 की जगह 1 आ जाएगा, 36 की जगह पर 6 आ जाएगा और 24 की जगह पर 4 आ जाएगा। अब मुझे इनमें से किसी एक को सेम बनाना है, तो मुझे क्या निकालना है, मेरे को तो इस वेलोसिटी ऑफ द करंट निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेता हूँ। कैसे, मैं इसे 4 × 36 बना सकता हूँ 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, 9 × 36, फिर 9 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, 9 × 6 = 54, फिर 9 से यहाँ भी करनी पड़ेगी, 9 × 9। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 1 − 2 करो, 1 − 2 करो, देखो ये तो −2 करोगे जब, तो ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया आपस में, यहाँ से क्या आया 54/x −24/x −9 − 13/2, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स एलसीएम लोगे तो 54 − 24 बराबर, इसको माइनस करोगे तो आप ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 − 13 5/2 ऊपर आ जाएगा 30/x बराबर 5/2, और यहाँ से आप 5 से कटेगा ये 6 बार, और नीचे 2 है ही, x की वैल्यू आ गई 12, यानी कि आपके पास डाउन स्ट्रीम आ चुकी है 12। अब स्ट्रीम निकाल लो, 12 को डाल दो यहाँ पर 2 में, फ्रॉम 2, तो 36/y तो पहले से है ही वहाँ पर, और प्लस में 12 24 बटे कितना 12 और आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13/2, तो ये तो 2 आ गया, तो यहाँ से वही आपका 36/x 36/y
इज इक्वल्स टू 13/2 - 2, तो 2 × 4 13 - 4 9/2 आ जाएगा, तो 36/y बराबर 9/2। इसको सोल्व करोगे तो 9 से कटेगा 4 बार और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। अब हमें निकालना है जी स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, तो वो क्या होती है, एस इक्वल्स टू होती है x - y / 2। एक्स क्या है आपका, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, तो डाउन स्ट्रीम आपकी है भैया 12 - 8 / 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और मैंने बोला था कि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक करा दूंगा, ठीक है, तो जब भी अब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ट्रिक कर लेंगे इसी क्वेश्चन के, ऐसे सेम क्वेश्चन होगा उसके बाद ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं, ट्रिक में देखो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा भाई, बाकी बस यही पोर्शन आप इससे बचना चाहते हो तो बस वो, हालांकि तब भी लास्ट में भी आपको जाके थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिक के बजाय कॉन्सेप्ट समझ लो ज़्यादा अच्छा है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलो अब भाई सवाल समझ आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।